वो ये क्रच क्रच करना बंद करो। ये इस ड्रामे को आप इतने गौर से क्यों देखती हैं? ये हीरो ना परी को बहुत अच्छा लगता है। एक्सक्यूज मी परी बाजी, इस बात में मेरी गैरत जाग सकती है। हैं? क्यों? तुम्हारी गैरत का इस हीरो से क्या ताल्लुक है? आप मेरी भाभी बनने वाली हैं। तो मेरे ब्रो की इज्जत इन्वॉल्व है इस चीज में, तो कहेंगे आप इस रिलेशनशिप को स्पॉइल ना करें। इस हीरो के लिए ना परी सब कुछ छोड़ सकती है, तुम्हारा वो ब्रो क्या चीज है? अरे इस हीरो के लिए ना परी सब कुछ छोड़ सकती है, तुम्हारा वो ब्रो क्या चीज है? लाइट क्यों चली गई? तुम्हारे घर में जनरेटर नहीं है क्या? शुक्र आ गई। ये कौन से चैनल पर आते हैं जियो? क्या बताओ? 2020 देखना है मुझे। 5 मिनट का ड्रामा रह गया, परी को देखने दो। कहा ना 2020 देखना है मुझे। परी ने ड्रामा देखना है। नहीं देखने दूंगा। पागल पागल तो नहीं हो गया तो? हो गया हूँ पागल। अच्छा अच्छा तो तुम ये टॉम एंड जेरी वाली सिचुएशन को एंजॉय कर रही हो। पता है जब उसके सामने खुदा और मोहब्बत वाले हीरो का नाम लो ना तो उसकी शक्ल ऐसे लटक जाती है जैसे बेल पे तुरी। वैसे शक्ल तो तुम्हारी भी लटक जाती है जब वो हैरी पॉटर वाली बच्ची का जिक्र करता है। एमा वॉटसन का तो दिल करता है जोर से ना मुक्का मार दूं। दादी जब कोई परी के आगे किसी और को इम्पोर्टेंस देता है ना तो परी को बहुत गुस्सा आता है। ओ यो ओके 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 अच्छा और अगर परी अपने रेड के लोड में रेड हैंडेडली पकड़ी जाए तो उसको कैसा लगेगा? हाँ एंग्री यंग मैन के फोन से कब डिलीट करोगे उस अगली बकरे साहू का नंबर? अगर दोनों का आपस में कांटेक्ट हो गया तो ये सिचुएशन टॉम एंड जेरी और हैरी पॉटर के हाथ से निकलकर 007 जेम्स बॉन्ड तक पहुंच जाएगी। इस कमरे में प्लान आप और पोनी वाले अंकल बनाते हैं और डरा परी को देती हैं। क्या फायदा आपके इतने जासूसी नॉवल पढ़ने का जब धक्का आपने परी को लगाना होता है? फेयर एनाफ चैलेंज एक्सेप्टेड। ये मिशन तो हम तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए देते हैं, वरना तुम्हारी दादी के बाएं हाथ का फिर है ये नंबर चंबर डिलीट करना। रहने दो दादी, अब ना आपके दाएं हाथ पे दम है ना बाएं हाथ में। How dare you? पंजा लड़ाओगी? लड़ाओ? तो तुम कंग फू कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ पूरे कमरे के अंदर एमा ही एमा कर देते हैं। ब्रो जस्ट चिल, तू देख तो सही अपने बिल्लू भाई का फंडा। एमा वॉटसन की टी-शर्ट्स भी ऑर्डर कर दे। करेंगे, पहनेंगे, तुझे क्या लगता है छोड़ देंगे? अरे मैं मर जावा, पहले इस माँ की थोड़ी फोटो आई थी जो और भर ली है, है? अब ऐसा कर, 2 हार गले में डाल और नीचे अगरबत्तियां लगा दे। मुझे क्यों डांट रही है? बंटी ने मुझे गिफ्ट की, मैंने लगा दी। है बंटी? तू क्या जूस की रेडी का बोर्ड बना हुआ है? तेरी माँ तो टके टके पे रोती है, तू इतनी फजूल खर्चियां कर रहा है। टाइम में क्या करूँ है इतनी के? अभी तो तेरा क्यूट अब्बा तुझे ढूंढ रहा है, जा बाजे मार रहा है। क्यूट? फिर अम्मी ने कोई शिकायत लगा दी होगी। देख तो सही। अब तू मुझे ये बता,
कि कल का पूरा दिन तूने बारा गर्दी में जाया किया और आज इस बकवास खाने में शॉपिंग पे नहीं जाना। दिन कितने रह गए शादी में? कहाँ से करते शॉपिंग, घर से बाहर निकले। दादी ने मिस कॉल मार मार के मत मार दी थी हमारी। एक तो इस्माइल ने ना मेरे सिर में पीड़ कर दी है। मजा ना जो बच्ची को खुल के सा लेने दे। बच्ची भी इतनी को बच्ची नहीं। अच्छा मेरी बात सुन, अब कल फर्स्ट टाइम तैयार रही, मैं परी को भी कह देती हूँ तुम दोनों ने मेरे साथ जाना है शॉपिंग पे, ठीक है? अच्छा अग लगी नो नो सुनो। हाय 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 देखेगी तो चल जाएगी। ये आए आहा ओ जानिया, रोज रोज के रोने से अच्छा है एक ही दफा कौड़ा कोट कर ले। बड़े अजीब लोग निकले जी ये पारों के ससुराल वाले। हाँ चाचा जी, आपको भी अच्छी तरह छानबीन करनी चाहिए थी ना। ओए पुत्र, लोग तो वो अच्छे ही थे पर किस्मत अच्छी ना हो तो बच्चे खराब निकल ही आते हैं। मेरा इशारा सबों की तरफ नहीं था। मैं जानता हूं पर इस तरह की कोई बात होती है तो ध्यान की बत्ती खुद ब खुद ही उधर रोशन हो जाती है। अल्लाह उसके भी नसीब अच्छे करे, आखिर वो हमारी ही बच्ची है ना। माँ बाप का दिल दुखाने वाले ना जिंदगी भर धक्के ही खाते हैं, वो भी कहीं ख्वार हो रही होगी। क्या डंगरों जैसी बातें कर रहा है साबर, जाके ताशी से पूछ के कार्ड पूछा दिए उसने सारे घरों में। जी भाईजान। चाचा जी आप तसल्ली रखें, अल्लाह ने पारों का भी कुछ जोड़ बनाया होगा ना जी। अल्लाह ने जो जोड़ बनाया है ना वो मेरी जिंदगी में जुड़ जाए तो अच्छा है, कल को कहां धक्के खाती फिरेगी मेरी बच्ची। खबर आया ना कार, ये साबर और शाकर जो हैं वो ये भी उसके भाई हैं। हाँ जी चाचा जी आप तो तसल्ली रखे, अल्लाह को सबब पैदा करेगा इंशाल्लाह। सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। आज समझ आई है इस बात की, तसल्ली रखे चाचा जी। आप भी तो इतने फजूल फजूल सवाल करती हैं।
अरे आप इस वक्त तक क्यों जाग रही हैं? ताकि आप हमसे ये चाइल्डिश सवाल कर सकें। चले कोई बात नहीं, आप ना जवाब दें इसका। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपकी ये नींदें क्यों उड़ी हुई हैं? उस बाप को कैसे नींद आ सकती है जिसकी बेटी की उम्र गुजर रही हो और उसे बर न मिले। करम करेगा, लेकिन बर इस वक्त तो आएगा नहीं, आएगा तो डे लाइट में है, तो सो जाइए। सही कहा आपने। कोई दवाई अगर आपको चाहिए मेडिसिन तो हम दे देते हैं। नहीं नहीं, मेडिसिन की जरूरत नहीं, जब दोनों जाग ही रहे हैं तो कुछ गुफ्तगू कर लेते वक्त गुजर जाता है। नो थैंक्स। चलो जैसे आपकी मर्जी। कोई चीज अगर एक दफा बिल्लू चौधरी के हाथ लग जाए ना तो वो टूट तो सकती है, छूट नहीं सकती। शोर मचाकर ना सबको यहाँ बुला लूंगी। हाँ तो बुला लो, चेक करा लो अपना साउंड सिस्टम, खुद ही पूछ लेंगे तुमसे कि इस वक्त इस कमरे में क्या कर रही हो तुम। वो मैं बदला लेने आई थी। अच्छा, हेमा जी का वॉलपेपर डिलीट करने आई थी ना। हाँ, परी को जहर लगती है ये बुरी बिल्ली। चलो, एमा जी की तस्वीरों पे मारकर तो फेर दिया है तुमने, जो तस्वीर बिल्लू चौधरी के दिल में है उसका क्या बिगाड़ लोगी। परी के परों को भी परवाह नहीं है, 101 तस्वीरें लगा लो तुम। परी को कोई मोहब्बत मोहब्बत नहीं है तुमसे, वो ना जिद में करने आई थी डिलीट में। अच्छा, शादी भी जिद में कर रही हो? तुम क्यों कर रहे हो? बताया तो था मैंने तुम्हें, दादा जान ने मुझसे कहा कि बिल्लू शादी कर ले, मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। मैंने भी बताया था, दादी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कर रही हूँ शादी। छोड़ो अब हाथ। क्यों छोड़ू? हिम्मत है तो छुड़ा लो। छोड़ो 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 छोड़ो। डेटा उड़ाते उड़ाते परी कहीं खुद तो नहीं उड़ गई? ये रात के इस पहर आप कौन सी जासूसी फिल्म बना रही हैं? बिल्लू वार के कमरे से चार्जर लेने जाते हैं, हमारा चार्जर खराब हो गया। हाँ तो उसी कमरे में जाए ना, दरवाजा नॉक करें, और चार्जर उड़ के खुद तो नहीं आ जाएगा ना यहाँ पर। एब्सोल्युटली, वो इसीलिए हम लड़ा चेक कर रहे थे कि बिल्लू वार सो रहे हैं या जाग रहे हैं। वैसे तो शरीफों के सोने का टाइम है ये। You're right. आप शरीफ नहीं है क्या? अगर शरीफ ना होता ना तो आपके बेटे को अपनी मंगेतर के साथ घर ना बसाने देता। What do you mean? मुझे आपकी और परी की असलियत का पता है, और ये भी पता है कि कौन से कुकाफ से आई हैं आप। आपको किसने बताया? जिसने भी बताया, कि मैंने किसी को नहीं बताया। क्या नहीं पता चलने दिया आपने? यही कि परी सभात की बेटी है।
करीने का छोड़ो हाथ। पहले सॉरी बोलो, वो देखो एमा जी के टीथ खराब कर दिए तुमने। चलो शाबाश, सॉरी बोलो। हाथ छोड़ो वरना ना सर फाड़ दूंगी। स्टॉक के जितना मुंह है तुम्हारा और ऐसे बड़ी बड़ी बातें करती हो। जंगली बिल्ली की तरह काटा है तुमने, पागल हो? शुक्र करो मुंह नहीं नोच लिया तुम्हारा। ताशी मामू का हाल याद है ना? सब बात सुनो, अब तुमने काट लिया ये तो बता दो पेट पे टीके कितने लगने? परी के काटे का कोई इलाज नहीं। कहाँ जा रही है? उफ़, बड़ी कोई दर्द हो रही है, अस्पताल जाना पड़ना है, अस्पताल जाना पड़ना है। वाकई? हाँ, मुझे लगता है कोई रग कट गई है अंदर से। हाथ की रग? नहीं तो दिल की रग। छी। यो, This is not enough, low. यार अंदर जाओ तो। ओए 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 ओए। ये क्यों रो रही है? परेशान है जरा बेचारी। हाँ इसने क्या परेशान होना? इसको एसिडिटी थोड़ी है। आपको एसिडिटी है? तो ये मेडिकल स्टोर है जहाँ आधी रात को घुस गए हैं आप। यार वो पूछने आया था, अब्बाजी के लिए साशे लाए थे ना एसिडिटी वाले, वो कहाँ रखे हुए हैं? तो यार वो नीचे किचन में होंगे ना, कैबिनेट जहाँ मेडिसिन पड़ी होती है वहां से जाके ले ले। सोने से पहले ना जबरदस्ती मूलियों वाला पराठा खिला दिया तेरी दुखी आ रही चाची ने। हमें ना ऐसे लग रहा है जैसे दो देसी मुर्गे लड़ रहे हैं। ओए ओए ओए, ये बीमारी तो आजकल बहुत इन है। पहले मैदे में गैस जमा होती है, मैदा फटता है, फिर बंदा कहे जाए। ठीक है, अगर ज्यादा तबीयत खराब हुई ना फिर तुमने अस्पताल चलना है मेरे साथ। है इस वक्त नहीं, इस वक्त नहीं, ठीक हो जाओ महीने बाद जाएंगे। चाचा आप तो खुद डॉक्टर है ना, जाएं जाके अपना इलाज खुद करें। यार यार मैं डंगल डॉक्टर हूँ, अब जानवरों की दवाइयों के फक्के थोड़ी मारूंगा। तो जानवरों को भी तो होती होगी ना तेजाबियत। जिस दिन तुझे हो ना तू बताना। जाएं जाके ना साशी पी, आपके मैदे की गैस उबर के आपके दिमाग पे चढ़ गई है। यार इधर ही ना सोचो। नहीं नहीं नहीं। क्यों? वो मैं खराटे मारता हूँ बहुत ज्यादा। तेरी सोच है जो मैं खराटे मारता हूँ, हो जाए मुकाबला फिर आज। सोते हुए मैं बड़े ठुड्डे भी मारता हूँ चाचा। हाँ ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मेदा वैसे डिस्टर्ब है मेरा। यार जाए ना आप जाए ना, जाके चची को उठाएं, वो आपका बड़ा अच्छा ख्याल रखेंगी। जाए वो तो कभी मुझे समझी नहीं। अब देख मैं यहाँ तेजाबियत में घूम रहा हूँ और वो घोड़े क्या पूरा एस्तबल बेच के सो रही है। मैं खुद जाके देखता हूँ। हाँ हाँ जाए जाए साशा जी, जाए। शाबाश। अब क्या है? तोड़ दूंगा खाना हुआ कर मेरे साथ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मोबाइल ऑन रखना है, तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो फिर मैं मिस कॉल मारूंगा। अगर अब आप इजाजत दे दें तो दो घड़ी आंख लगा ले बिल्लू चौधरी। बेटा आंखें जहां तेरी लड़ी हुई है ना, सारे घर वालों को पता है। मैं अभी तेजाबियत का कुछ कर लूं फिर देखता हूं। सुई कातिल का नाम क्यों कर रही हो? निकालो मुझे बाहर। आज तक बोलो चाचा बाहर घूम रहे। और जब मेरा दिमाग घूम गया तुम्हारे वॉशरूम में। ओ सॉरी, पास कर या बर्दाश्त कर। ये तो फॉरएवर कमरे को भी पता चल गया हमारी राज का। क्या करें क्या करें, क्या होगा? ओहो, ये परी कहाँ पे रह गई? तो भेजा सके जाके शाहरुख का नंबर डिलीट करके आओ, ये तो लगता है वहां पे ऑयल का वेल ही खोदने बैठ गए। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। बोलो वो तूफान आ जाएगा। तूफान? सच सच बताओ किस किस को पता है ये बात? सिर्फ मुझे और शाकिर भाई को। तुम दोनों मिलकर बड़े अब्बा को धोखा दे रहे हो, शर्म नहीं आई? आई थी, फिर वो शाकिर भाई ने कसम दे दी सबों की। उन्होंने कसम दी और तुमने लाज रख ली सबों के नाम की? इतना ख्याल कभी मेरी फीलिंग्स का तुमने किया? वो मर गई है परो। वो तो सचमुच मर गई है, लेकिन तुम तो मुझे जीते जी मार रहे हो।
मैं शर्मिंदा हूं तुमसे। लेकिन मैं बड़े अब्बा को इतना बड़ा धोखा देने नहीं दूंगी। अभी जाकर सारी असलियत बताती हूँ। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगी तुम? इसे एक कदम का मकरूज रहूंगा सारी जिंदगी में। कब उतारोगे मेरा कर्ज? या फिर सारी जिंदगी मोहब्बत के डिफॉल्टर के दाग के साथ गुजार दोगे? मुसलसल पानी पड़े पत्थर में, उसमें भी सुराख हो जाता। ये तो मेरा दिल है, कुछ सीमेंट की सिल नहीं। कभी एतराफ तो नहीं किया? इससे बड़ा एतराफ क्या होगा कि अपनी शादी की खुशी ही नहीं हो रही मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सूली पे चढ़ा रहा हो मुझे। अपने फांसी घाट पे ईंटें लगा के खुद चबूतरा पक्का करोगे तो अब्बा जान बहुत जल्दी ये हसरत भी पूरी कर देंगे। ताश्वीन, इस किचन में ना खरगोशों के खुड्डे जैसा हब्स है। तू आना जरा, एसी में आना जरा। साबिर भाई, साबिर भाई। गए वो लोग? नहीं, पता नहीं कौन सा पैथागोरस थ्योरम हल कर रहे हैं बाहर। काश परी तेरे ना पर होते तो फिर से उठ जाती। यो, शुक्र करो आज बिल्लू चौधरी ने बचा लिया तुम्हें। तो ना बचाते? कैसे नहीं बचाता? मेरी इज्जत का सवाल था। पता है मुझे, तुमने इसलिए छुपाया था ताकि घर वाले तुम्हें कुछ ना कहें। कितना गलत सोच रही हो तुम मेरे बारे में। इसमें क्या गलत है? इज्जत बनने जा रही हो तुम बिल्लू चौधरी की, किसी और के कहने पे ही सही। नाम तो जुड़ने वाला ना मेरा और तुम्हारा, और अब तुम पे कोई उंगली उठाए ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। इतनी फिल्मी बातें क्यों कर रहे हो? वैसे सही बताऊं, कसम से मुझे भी आजकल यही लग रहा है कि कोई फिल्म है जो मेरी आंखों के सामने चलती जा रही है, चलती जा रही है। जोर से तो नहीं काटा था? लो, देख लो। निशान तो नहीं है? लेकिन दर्द है। या परी जा रही है। ओए, बाहर नाका लगा हुआ है, क्या कर रही हो? बाहर SHO ताश्वीन चौधरी और DSP साबिर अली फुल चौकस खड़े हैं। क्या मुसीबत है, कब हटेंगे ये लोग? मैं तो कहता हूँ सारी जिंदगी ना हटे। नहीं, चीप लाइनें क्यों बोल रहे हो? इतनी जबरदस्त लाइनें बोल रहा हूँ मैं तुम्हें चीप लग रही हैं? फिलहाल तो ना तुम जहर लग रहे हो परी को। अब जहर लगूं या शहद लगूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परी, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा चली। तो दादी परेशान हो रही होंगी, पता नहीं कहाँ फंस गई परी। मैं दीवाना, मैं तो गया, दुनिया झूठी। और बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, मेरा दिल चाहता है जैसे कुर्बानी के दुम्बे को गेट से बांधते हैं ना, उसकी खाल उतारने के लिए खाल उतार दो तेरे। बस करते बस करते यार, बस करते बस करते बस करते। क्या बात करो, जिस मिनट से बोले जा रहे हैं आप, मैं तो सिर्फ बोले जा रहा हूँ। अब्बा जी को पता चलेगा ना, वो खले मार मार के तुझे भर चुका से जा देंगे। तो सारे तेरे खले तो खाए मैंने, जो बाकी टुकड़े रह गए वो कसरा पूरी कर दे। ताश्वीन, उस जो बुढ़ापे का इश्क होता है ना, वो ये सांप से ज्यादा खतरनाक होता है। यही उम्र तो बची है मेरी, सारी जवानी तो रोल दी ताऊ जी ने सात बरातरी के घमन घेरियों में।
दो बार रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद आपका ये सवाल बनता नहीं है। ओए अपनी नहीं, ओए बच्ची की नहीं, चाचा रमजान की इज्जत का तो ख्याल किया होता। अच्छा ना, आई एम सॉरी, इसकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ तुमसे। देखिए तो सही, कितना खूबसूरत चेहरा है आपका, बिगाड़ के रख दिया है। आई एम सॉरी, ये चरी ने बहुत ज्यादती की है। बिल्लू चौधरी आपसे माफी मांगता है, तुम्हारी मेरे दिल में। ओ यार, सबकी इज्जत का ख्याल क्या मैं ही रखूं? बिल्लू को तो बड़ा प्रियन दिया हुआ है आप लोगों ने। कौन सा प्रियन दिया हुआ है? आ गया यकीन, हो गई तसल्ली। बस आपसे एक मौदबाना रिक्वेस्ट है। हाँ समझ गया, आप नहीं लगाता तेरे इश्क के झंडे चौधरी विला की छत पे। वो झंडे तो लगे हुए हैं, बस हवा नहीं देनी। हाँ अपने बाल ठीक कर। आप भी ठीक करें, पानी लाऊं आपके लिए? हाँ तू भी पी लेना। हाँ आपने होने वाले ससुराल के सामने कैटवॉक करती हुई चली आ गई, क्या सोचते होंगे वो सब लोग? अब उनसे छुपने के लिए परी सारी रात उसके कमरे में बैठी रहती। एक घंटा इंतजार किया था, 5 मिनट और पेशेंट का मुजाहरा करती तो क्या जाता तुम्हारा? 5 मिनटों में ना उस डिस्को दीवाने परी से सारी मोहब्बत का इजहार कर देना था। ओह माय गॉड परी, व्हाट रॉन्ग विद यू? वो तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, कितनी जालिम पड़ी हो। बड़े अफसोस की बात है दादी, अपना मतलब पूरा करने के लिए आपने सारी अखलाकियात पर पानी फेर दिया, वो भी वाइपर लगा के। How dare you question my morals? हम तो सिर्फ तुम्हें पाकीज़ा मोहब्बत सजेस्ट कर रहे थे 60s की फिल्मों वाली। और वैसे भी अब कुछ दिनों में तुम्हारा निकाह हो जाएगा, तो बस यही तो एग्जैक्टली हम चाहते हैं। क्या कहा बिल्लू बॉय ने तुम्हें? कैसे किया मोहब्बत का इशारा? ये कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। मोहब्बत मोहब्बत नहीं करता वो परी से, उसे तो मोहब्बत है उस एमा वॉटसन से। Really? ये कहा उसने तुम्हें? कहा नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें ना यही बताती है। उफ़ वो दादी, मिशन के बारे में तो पूछे। हाँ हाँ बताओ बताओ। नंबर डिलीट नहीं हो सका परी से। My God! ऊपर से मिस्टर अताशी को भी हमारी हकीकत का पता चल गया। वो तो उन्हें कब से पता है? मैंने आपको बताया नहीं था। Stupid girl! क्यों नहीं बताया तुमने? हमें बताना चाहिए था। दादी, परी की माने, हम भाग चलते हैं यहाँ से, फंस जाएंगे हम दोनों। प्लान बी है हमारे पास। प्लान बी? खाला, आप इधर हैं? मैं मुझे डरा ही दिया, मेरी आंख खुली तो आप रूम में नहीं थी। ये को वक्त है भला चहलकदमी करने का है? वक्त ही तो बुरा चल रहा है, तुम्हारा भी और मेरा भी। ओहो छोड़े ना, जिंदगी तो बर्बाद होगी अब। नींद जरूर बर्बाद करनी है आपने। चले आप अंदर चले जाओ, मैं आती हूँ। खाला क्या हो गया? कहा ना, जाओ आती हूँ 10 मिनट में, घुटन महसूस हो रही है मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप 10 मिनट में नहीं आई तो मैं आ जाऊंगी। हाफिज़।
तुम दोनों मिलकर बड़े अब्बा को धोखा दे रहे हो, शर्म नहीं आई? लेकिन मैं बड़े अब्बा को इतना बड़ा धोखा देने नहीं दूंगी। कहीं पारो बता ना दे परी की असलियत, वरना ऐसा तूफान आएगा कि घर की बुनियादें हिल जाएंगी। इज्जत बनने जा रही हो तुम बिल्लू चौधरी की, किसी और के कहने पे ही सही, नाम तो जुड़ने वाला ना मेरा और तुम्हारा, और अब तुम पे कोई उंगली उठाए ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जोर से तो नहीं काटा था? लो देख लो, निशान तो नहीं है लेकिन दर्द है। या बाजी तेरी शर्ते मेरी होगी वही जिसमें तू राजी है, जीती मैं जो मुझे नहीं बनाना। लो जी, सोते हुए भी किचन सवार है इसके दिमाग पे। शिबा उठो, उठो शिबा, शिबा उठो, उठो। ओ भाई, दुनिया से उठा दे मुझे आप। वो तो टाइम पे अल्लाह ही उठाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। क्या हॉल फॉल बोली जा रही शिबा? तुम्हें पता है इस घर में और लव बर्ड्स पैदा हो गए हैं। तो आप क्यों शिकारी बन के उनके पीछे पड़ गए? तुम्हें पता है ताशफीन का महापारा के साथ सीन ऑन हो गया है। हाँ पता है। तुम्हें पता था? तो क्या लिख कर दूँ आप? आपको नहीं पता? चार दिन की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात ही है। अब्बा जी तो सिर्फ डंगर कहते हैं, घर वाले तो समझते भी हैं। खराटे लेना तो बंद करो। तुम्हें पता है ये खरगोश की आदत होती है, उसको पता नहीं चलता लेकिन वो खराटे लेता है। तुम सोई नहीं पूरी रात? तुम सो गए थे उस रात जब सब्बू के मरने की खबर मिली थी? नहीं, सारी रात अंगारों पे गुजरी थी। मेरा भी अच्छा वक्त गुजरा था सब्बू के साथ।
रकाबत का सिलसिला तो बहुत बाद में बना था। सोग मनाना तो मेरा भी बनता है ना। I'm sorry. सॉरी बोलते हो तो शर्मिंदगी होने लगती है अपनी मोहब्बत। हाय अल्लाह जी।